वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफ़ी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहाँ पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 7.7 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो दब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसके साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है यहां तो पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बाग करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी को संभाला है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहां पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे कास्टिंग गई है। तो एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी, यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे में पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो दब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसके साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है यहां तो पर ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी कितनी है यहाँ पर को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी को संभाला है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को यह सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहां पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफ़ी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहाँ पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात

कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आउट ऑफ इस मूवी की बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ सा हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो दब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसी के साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है सैम बहादुर तो ये सारी मूवीज़ ही वो बना रहे हैं उन्होंने बनाई हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात

कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हां यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहां पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात

कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हां ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहां पर अवेलेबल है ये भी बताऊंगा बाकी अगर यहां पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात

कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसके साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है यहां तो पर ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी कितनी है एंड को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी को संभाला है, जी। इस की को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसे के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसके साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है यहां तो पर ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात

कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहां पर स्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसके साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है यहां तो पर ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी सारी को संभाला है, सारी सारी है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को संभाला है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल 2008 में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहां पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसी के साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है सैम बहादुर तो ये सारी मूवीज़ ही वो बना रहे हैं उन्होंने बनाई हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजीली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बाग करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी को संभाला है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहां पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हां यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहां पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से एटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी सारी को संभाला है, सारी सारी है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफ़ी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहाँ पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसी के साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है सैम बहादुर तो ये सारी मूवीज़ ही वो बना रहे हैं उन्होंने बनाई हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को पर सारी, की सारी को संभाला है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इन्जॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है। उसके साथ साथ Married, दस राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को, सारी सारी को संभाला है, सारी सारी है. क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इन्जॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बात करें कि इस सारी सारी मूवी तो की बात करें तो यहां पर आई एम की बी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं

करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी स्टोरी लाइन को हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इन्जॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसी के साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है सैम बहादुर तो ये सारी मूवीज़ ही वो बना रहे हैं उन्होंने बनाई हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी यहां पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसे के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन सारी को सारी को संभाला है जी। यहां पर इस की स्टोरी हरिंदर क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रह कर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हां यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूं साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस जाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहां पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी, यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीजें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो के सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 81 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक like, इन्होंने यहां पर फिलहाल दी है उसी के साथ साथ जस्ट मैरिड तलवार राजी छपाक और अभी हाल फिलहाल में उनकी अपकमिंग मूवी है सैम बहादुर तो ये सारी मूवीज़ ही वो बना रहे हैं उन्होंने बनाई हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं तो इनकी पर डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं कि काफी अच्छी है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अनप्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी उसे के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहाँ पर सारी, की सारी को संभाला है, सारी सारी है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी आप लोग भी अगर मेरी तरह एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एजेंट टाइप मूवीज़ को पसंद करते हैं हाँ एजेंट टाइप कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों को कुछ एजेंट देखने को मिल जाते हैं रॉ एजेंट होते हैं जो कि अपने वतन के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पर डिफेंस करते हैं अपने कंट्री का वहाँ पर रहकर उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने कंट्री को लेकर ले देते हैं एंड इस तरह की कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होनी चाहिए हाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं मैं ऐसी मूवीज़ की सर्च में ही रहता हूँ तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी मूवी को ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है जिसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा बेसिकली ये मूवी जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर ही बनाई गई है जिसमें आप लोगों को एक एजेंट देखने को मिलेगी जो कि अपनी कंट्री से चली जाएगी एंड अंडर कवर रॉ एजेंट रहेगी वो किसी पाकिस्तानी से फैमिली बनाएगी अपनी एक उससे मीन शादी कर लेगी एंड उसके बाद वो वहाँ पर जो है वो कुछ दुश्मन तलाश करेगी तो ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कुछ प्रेजेंट किया गया है मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी राजी के बारे में अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ये डिज़र्व करती है आप लोगों का एक चांस अगर आप लोग इसे एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये चांस ज़ाया नहीं जाएगा आप लोग डेफिनेटली डेफ़िनेटली इस मूवी को इन्जॉय ही करेंगे बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर कास्टिंग में कौन कौन है और उसी के साथ साथ क्या अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है किस लैंग्वेज में बनाई गई अभी हम इसे कहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ पर राजी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन-कौन देखने को मिल जाएंगे क्या काफी अच्छी कास्टिंग है या बस ठीक-ठाक सी कास्टिंग रखी गई है तो ऑब्वियसली एक मूवी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है वो होता है जी यहां पर इसकी स्टोरी लाइन का उसके बाद होती है कास्टिंग एंड डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन बराबर हो तब तभी जाकर जो है वो सारी की सारी मूवी अच्छी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन को तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हाँ ऊपर ऊपर से मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी लाइन समझा दी है अगर आप लोग देखना चाहें तो जाइए और जाकर इसे देखिए कहाँ पर अवेलेबल है ये भी बताऊँगा बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें स्टारिंग की तो आलिया भट्ट विकी कौशल जयदीप अहलावत रजित कपूर शिशिर शर्मा उसी के साथ साथ सोनी राजदान अमृता और आरिफ जकारिया आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है आईएमडीबी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 7.7 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से एट्टी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड जेनर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी रोमांस ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने हैंडल किया क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मेगा गुलजार ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं

तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई मूवी है जिसे इंडिया में अन प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग देख सकते हैं इस मूवी को आप लोग ईजिली जाइए और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहां पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बाकी बाकि साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर स्टोरी लाइन को किसने संभाला तो स्टोरी लाइन को यहां पर सारी की सारी को संभाला है जी पर पर इस मूवी की की स्टोरी स्टोरी लाइन लाइन को को हरिंदर सिक्का ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी सारी हैंडल किया है क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो साल दो में रिलीज हुई कालिंग सहमत उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है और वो एक मूवी भी बनाई गई थी एंड थ्रिलर नॉवल भी था तो ये मूवी उसी का ही ऑफिशियल यहां पर अडेप्टेशन कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स में विनीत जैन करण जौहर हीरो यश जौहर और अपूर्व मेहता देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में जे आई पटेल देखने को मिल जाएंगे और एडिटिंग में आप लोगों को नितिन बेद देखने को मिलेंगे म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर एहसान और लोई देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को जंगली पिक्चर्स और धर्मा प्रोडक्शंस ही देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं